विभाग सेवा के बुधाईदा आलू तो सिंध में धाड़ेलन जो कार्रवाई जारी आहिन। पीटीआई के मेंबर इल्जाम मड़ो है तो सिंध हुकूमत धाड़ेलन के खात्मे में मुखलिस ना है, जडे तो सूबाई वजीर ने हुकूमती असेंबली मेंबर दावा किया है तो सिंध हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में जल्द ही धाड़ेलन जो खात्मो थी वो। इन सिलसिले में आवाज़ टीवी के रिपोर्टर आमिर सुपरो असेंबली मेंबर से गाल बोल कई है, अचो तिखारे में हिंसर भी जो धाड़ेलकी निज़ाम है वो भी बरकरार है। बिलखसूस जो कंदकोट कश्मोर ए जेकमबाद है उन में धाड़ेलन जो राज है। जडे भी ऑपरेशन थो है उन में पुलिस जो ही नुकसान थो है। पा इन मेल मौजूद आयो सिंध असेंबली के बहर जिथे पा गाल बोल कंदी पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर से ऑपोजिशन जे अगवाण आन उन्होंने भी तो आखिरकार हि धाड़ेलकी वडेरकी निज़ाम कि खत्म थी सके। कच्छे के डाकुओं की बात कर रहे हैं आप, तो कच्छे के डाकू को अगर खात्मा करना है तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए ना, ये तो जो सियासी जमात इस वक्त सिंध के अंदर इक्तदार के अंदर बैठी है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इनकी आती है ना। अब इन्होंने तो पाला हुआ है इनको। आप मुझे बताएं ना कि आप हुकूमत हैं, आप रियासत हैं, आप अफाज पाकिस्तान से मदद ले सकते हैं, आप रेंजर्स से मदद ले सकते हैं, आप पुलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने लोकल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा जो वहाँ के मौजूदा MLAs MPs हैं कोई इस बेहतर तरीक़े से नहीं समझता कि कौन सा डाकू किस जगह बैठा हुआ है। सो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत सिंध जो है वो चाहती नहीं है कि कच्चे के डाकुओं का खात्मा हो, वो इनको सपोर्ट करती है, उनको इलेक्शंस के अंदर अपने जाती मुफाद के लिए उनको इस्तेमाल करती है। और हालात कुछ अलग नहीं है कराची शहर के अंदर, वहाँ पे तो आपको पता कच्चे के डाकू हैं, पक्के के डाकू हैं। सो आपके आप खुद जानते हैं, अगर 10 लोगों से आप पूछें तो 7 लोग आपको बोलेंगे कि या तो उसका मोबाइल जो है लूट लिया गया है, या उसकी गाड़ी छीन ली गई है, उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई है, उसके घर के अंदर डकैती पड़ गई है। तो सिंध भर के अंदर ये हालात ऐसे ही हैं। धाड़ेलन जो निज़ाम तेज तय ख़त्म कौन थो तेज तीन धाड़ेलन के सपोर्ट करने वाला उन्होंने पालन वारा ख़त्म ना उनके पालन वारा भी वो मानू हन जो सबन की खबर आ केर धाड़ेल पालन दो आ केड़े डिस्ट्रिक्ट में केड़ो वडेरो आ केड़ो मुतबर आ जो धाड़ेलन के रखन दो आ पांजे मुफाद जलाए पांजे मुखालफिन जलाए। तो ये सब हुकूमत की खबर आ, अगर हुकूमत की जिम्मेदारी पांजी पूरी नथी करे तो मुखे मजबूरन चवण पवंदो तो ये हुकूमत भी धाड़ेलन से मिलल आ। सिंध हुकूमत जो उनते बिल्कुल ही वाज कंसीडर्ड फैसलो आए तय आए तो इन किस्म जहाँ एलिमेंट्स जेके भी हुजन क्रिमिनल एलिमेंट्स जेके लॉ एंड ऑर्डर के खराब कंदा हुजन, अगवा चोरियों धाड़ेल फुरूँ जेके मानू हुजन, चाहे वे पान करण वारा हुजन या उनकी पुष्पनाई करण वारा हुजन, असां ला बराबर हैं, कंखे भी न बख्श कयो। शिकारपुर में तो माशाल्लाह काफ़ी कंट्रोल थी वो है, उतने लॉ एंड ऑर्डर हाँ काफ़ी बेहतर आ। विच में सूरत हाल थोड़ी शहर में कुछ रोड हुई पर वह पुलिस जो उतों की SP आया हुआ समो साहब ASP जो उतने कम कन पा ढो बेहतरीन कम कन पा उत ठीक है। कश्मीर में भी हाँ सूरत हाल बेहतर थी यो एक वेव इंदी कें कें वह वेव आई हुई पर उनके इंशाल्लाह संभाले वो सूरत हाल जल्दी बेहतर थी। कानूनी कार्रवाई पुलिस करे रही है, ऑपरेशन हले पो टिन्हीं चैनी जिले में पुलिस एक्टिव रही है। इन सजे मामले में तिठो हों पुलिस जहाँ नौजवान शहीद भी थे। IG सिंध उनते भरपूर तवज्जो दई रो इन माहौल में, जाहरी गाल ये अनासिर आहे, इनके को शक कोने पर इंशाल्लाह जै तरीके से पुलिस एफर्ट्स वतान जल्दी इन शो खात्मो थी वो। बिल्कुल अदा ही तमाम वो नासूर है सिंध लाए, जी CM साहब जी कोशिशों भी आन इनके में खत्म करण खपे, यो एक सिंध के लिए वो नासूर है। CM साहब लिखो है फेडरल गवर्नमेंट का मदद भी घुरी है, इंशाल्लाह ताला इन जो खात्मो हाँ इंशाल्लाह। धाड़ेल कल्चर को अज जो ना है तमाम पुरानो है, जैसे ज़ियाउल्लाह की गवर्नमेंट हुई उन टाइम का ये स्टार्टिंग थी है, पर इन गवर्नमेंट यो स्टैंड वरतो है। उन पास जो स्ट्राइकी इलाको है पंजाब वो जो उन में भी उन IG जो पाँच स्टैंड वरतो है, काफ़ी तुम दिखो तो धाड़ेल मारजी भी काफ़ी पकड़िया भी पर कुछ शयू अड़ी होंद जाहिर करण की जरूरत नहीं पे, पर उन इंक्वायरी कर जे भी धाड़ेल उनके जो सो चारों तरफ घेरो वो है। धाड़ेलन के खिलाफ एक्शन थो तो बिल्कुल अलहमदुल्ला थो है। सिंध गवर्नमेंट के तौसल से सिंध पुलिस जी ऑपरेशन क्या उनमें 80% ऑपरेशन कामयाब भी थन जी 20% रिमेनिंग उन्हें भी कमकार हले पो। जदीद टेक्नोलॉजी सिंध पुलिस वट भी है,
बदकिस्मती से चवण तो मुनासिब ना है, मगर असा धाड़ेल भी को घट ना उन्होंने वट भी ये सब हथियार आन वो मुकाबलो इन कन पाया, मगर रियासत के सामू को भी मानू नथो बी सके। इंशाल्लाह वहाँ दिसंदा हूं कि जुल्म जी जेकी कहानी है ये इख्तिताम पजीर थी जी कबायली एरिया उतमें ये बटे लोफर पैदा थन था उन ला सिंध गवर्नमेंट सुठा उपा वरता पुलिस पाँगी फुल ताकत से उतने मौजूद है। इंशाल्लाह उम्मीद है तो ये निज़ाम खत्म थियण तो कोने पर घट जरूर थी वो या जरूर तरीकेकार जो सिंध गवर्नमेंट जो है तो कोशिश कजें तो उन्होंने गाल कजन उन्होंने कें तरीके से इन जो माहौल में कढ़ो वे तो बेहतर यो चुनते ये हिकड़ा छड़ींदा ब्या वरी इंदा। हां एक तरफ जेके पीपल्स पार्टी जा सूबाई वजीर है एमपी है उन्होंने जो चवण आए त सिंध पुलिस तमाम बेहतर तरीके से कम करे रही है, जल्द जेको आए सिंध में धाड़ेलन जो खात्मो कयो विंदो। बे तरफ जेके अपोजिशन जा वजीर अपोजिशन जा अगवाण आन उहे यो चई रहया है त जेके सिंध में धाड़ेल आन उन्होंने के सरदार सपोर्ट करे रहया है, जेस ताई सरदारी निजाम खत्म न थिंदो तेस ताई सिंध में जेको धाड़ेल की निजाम आए वो जारी रहंदो। पुश्त पनाई है उतों जहाँ सरदार कर रहा है।